दोस्तों मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं सबसे ही सिंपल तरीके से जो घर में आ गए गेस्ट और आपके घर में सब्जी ना हो और बहुत आसान से बनाने वाला तरीका से मैं बेसन की सब्जी बताऊंगी आपको। बनाइए इस तरह से, बहुत कम सामान में आपको बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं सबसे ही सिंपल तरीके से जो घर में आ गए गेस्ट और आपके घर में सब्जी ना हो और बहुत आसान से बनाने वाला तरीका से मैं बेसन की सब्जी बताऊंगी। देखिए एक कप मैं बेसन ली हूँ, एकदम फ्रेश बेसन। इसी के साथ मैं देखिए एकदम चॉप किया हुआ देखिए ओनियन है कढ़ी बनाने के लिए। ये देखिए कढ़ी बनाने के लिए मैं ये सब बता रही हूँ। देखिए दो चॉप किया हुआ ओनियन, इस तरह से दो चम्मच देखिए धनिया पाउडर, इस तरह से दो देखिए ग्रीन चिली और एक इंच टुकड़ा अदरक का और 5-6 लहसुन का कली, इस तरह से एक बड़े टमाटर चॉप किया हुआ देखिए इस तरह से, इस तरह से लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, देखिए एक चम्मच गोल मिर्च पाउडर, दो बड़े चम्मच देखिए हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार। इस तरह से देखिए बड़े बड़े टुकड़े में काटा हुआ आपको ओनियन दो। जो मसाले आपको दिख रहे हैं इसको मैं ग्राइंड कर लूंगा। देखिए एक चॉप किया हुआ टमाटर और दो चम्मच में धनिया ली थी वो एक चम्मच इसमें डाल देंगे। देखिए गोल मिर्च जो लिए थे वो भी एक चम्मच इसमें अभी डाल देंगे। इस तरह से आप लहसुन और अदरक जो ली थी मैं वो भी इसमें डाल दूंगी मैं। तो देखिए अदरक को भी मैं डाल दूंगी। अब इसमें पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूंगी मैं, इस तरह से थोड़ा सा पानी देके मैं ग्राइंड कर लूंगी सबको। इस तरह से देखिए मैं मसाले को कैसे ग्राइंड कर लिया, एकदम फाइन पेस्ट कर लिया। इस तरह से एक कढ़ाई गरम कर लेंगे पूरे अच्छे से हीट करके, उसमें कुकिंग ऑयल 2-3 चम्मच डाल देंगे। देखिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें अपना मैं गोटा जीरा डालूंगी इस तरह से 1/2 चम्मच। देखिए 1/2 चम्मच में साबुत जीरा डाल दे रही हूँ इसमें। जब वो स्पाइकर करने लगे तो मैं अपना चॉप किया हुआ ओनियन डालूंगी। देखिए मेरा स्पाइकल करने लगा, अब मैं देखिए कटे हुए जो चॉप की थी मैं ओनियन उसको डाल दूंगी। इसको जब हल्का ब्राउन हो जाए तो मैं अपना मसाला डालूंगी जो ग्राइंड करके रखी है। देखिए ओनियन मेरा हल्का ब्राउन हो चुका है, मैं जो ग्राइंड करके मसाला रखी थी वो भी मैं डाल दूंगी अभी से। अब इसी के साथ मैं अपना जो लाल मिर्च पाउडर ली थी वो भी 1/2 स्पून डाल देंगे। इसी के साथ अपना स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। उसी के साथ मैं अपना हल्दी डालूंगी, देखिए 1 स्पून हल्दी भी डाल दूंगी। इसको अच्छे से अब पूरा फ्राई करेंगे जब तक साइड से आपको तेल ना दिखने लगे। तो आप मीडियम फ्लेम पर ही आप बनाइएगा ताकि जले ना, हाई फ्लेम करने से आपको जल्दी जल जाएगा और स्वाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर करने से इसका खोना खोना खुशबू आती है रहते हैं। देखिए हल्का हल्का आपका फ्राई हो चुका है मेरा मसाला। इसी के साथ मैं देखिए 1 स्पून बेसन भी, ताकि मेरा जो कढ़ी हो गाढ़ा हो जाए इसलिए बेसन भी मैं 1 चम्मच मिला दी। जब पूरे अच्छे से फ्राई हो जाए तब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। ये आप बहुत ही सिंपल तरीका, जब गेस्ट आ गए आपके पास कोई सब्जी अवेलेबल नहीं है तो बहुत ही ईजी से आप बना चुके सकते हैं आपको ये बेसन की सब्जी।
देखिए आपको दिख रहा होगा साइड साइड से तेल निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका जो ये मसाला है अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी, इस तरह से पूरे मसाले को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। तब तक मेरा एक कढ़ी तैयार बॉयल हो रहा तब तक मैं बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ। देखिए बेसन का घोल बनाने के लिए मैं जो मोटा मोटा चॉप करके रखी थी ओनियन को इस तरह से इसको डाल देंगे, इसको अच्छे से थोड़ा क्रश कर लेंगे। उसी के साथ मैं बेसन जो 1 कप ली थी वो भी ऐड कर देंगे इसमें, और उसी के साथ मैं अपना थोड़ा सा 1/2 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून आपका गोल मिर्च पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक, स्वाद कलर के अनुसार थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। अब इस तरह से इसका थोड़ा लिक्विड घोल तैयार करूंगी, इस तरह से जो मैं ग्रीन चिली ली थी उसको भी कट करके इसमें मिला दूंगी इस तरह से। अब देखिए इसका थोड़ा लिक्विड ही घोल तैयार करूंगी इस तरह से, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाले में पूरा बॉयल आ चुका है। मैं इस तरह से बेसन का जो कि सीधा इस तरह से डालते चल जाएंगे आप, छोटे छोटे अपने जितने अनुसार है उसके अनुसार इस तरह से। इस तरह से घर में सभी लोग को पसंद आएगा, इतना टेस्टी लगता है खाने में। आपको थोड़ा लिक्विड ही रखिएगा ताकि आपको डालने में इजी हो, इसको तुरंत नहीं टच करेंगे नहीं तो आपका टूट जाएगा। थोड़ा सा बॉयल होने देंगे तो उसके बाद ही इसको हम लोग घुमाएंगे। देखिए इस तरह से देखिए आपका बेसन का सब्जी बन के तैयार है। इसको बनने में मुझे लगभग 15 मिनट लगा, आपको टाइम का भी ज्यादा खपत नहीं होगा। देखिए इस तरह से देखिए, इसीलिए थोड़ा देर बाद ही इसको निकालेंगे, तुरंत करिएगा तो ये टूटने का डर रहता है। अब इस तरह से मेरा देखिए रेडी हो गया, अब इसको बंद कर दूंगे, अब इसको निकाल के सर्व करेंगे। देखिए अब बेसन की सब्जी बन के पूरा रेडी है। अब इस तरह से कोई भी अच्छा सा बॉल लें उसमें अच्छे से निकाले। देखिए आपको घर का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जो इसको पसंद नहीं करेगा, आपको बनाइए इस तरह से, बहुत कम सामान में आपको बन के तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से मेरा बेसन की सब्जी बन के रेडी है। आप अपने घर के सभी सदस्यों को इसी तरह से बना के खुश कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपना सुझाव जरूर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।